स्पर्श पाठ है एक प्रेमचंद के बड़े भाई साहब। इस पाठ का हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे, प्रश्न अभ्यास खंड के। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है, बड़े भाई की लताड़ सुनकर छोटे भाई ने अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाया जिसमें अपनी सुविधा अनुसार सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ना, मगर मैदान की सुखद हरियाली और खेल आदि कामों होने के कारण वह अपने टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न है, एक दिन जब गिल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के बाद जब छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई साहब लंबा चौड़ा भाषण देने लगे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने पर घमंड मत करो, अभी छोटी कक्षा हो, जब बड़ी कक्षा में हो जाओगे तब अलजबरा, अंग्रेजों का इतिहास आदि से दिमाग घूम जाएगा। असल चीज़ है बुद्धि का विकास, जो बड़े होने के साथ होता है, और मैं तुमसे बड़ा हूँ। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब को अपनी इच्छाएँ क्यों दबानी पड़ती थी? उत्तर, बड़े भाई साहब को अपने बड़प्पन के कारण अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबाकर रखना पड़ता था। उनका मानना था कि यदि वह कुछ गलत काम करेंगे तो छोटे पर क्या असर पड़ेगा। छोटे भाई की देखभाल करना उनका प्रथम कर्तव्य था। वह पढ़ते रहते थे जिससे छोटा भाई भी उन्हें देखकर पढ़े, ज़्यादा खेलते भी नहीं थे। प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को सलाह देते थे कि वह मन लगा कर पढ़े, खेल कूद में समय नष्ट ना करे, क्योंकि पढ़ लिख कर ही बड़ा आदमी बना जा सकता है और समाज में अच्छा स्थान बनाया जा सकता है। छोटे भाई साहब ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? बड़े भाई साहब नसीब हते देने के बाद भी बार बार परीक्षा में फेल होते रहे और छोटा भाई हमेशा प्रथम आता रहा। इस कारण वह स्वच्छंद होता गया और उसे घमंड होने लगा। वह थोड़ा बहुत पढ़ता था, उसने वह भी पढ़ना बंद कर दिया। अब वह पतंग उड़ाने लग गया, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना आदि तैयारियां करने लग गया। खंड खै प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार लिखिए। छोटा भाई चंचल स्वभाव का था, उसका मन खेलकूद में ज़्यादा लगता था। वह पढ़ने में तेज होने के साथ साथ घूमने फिरने में भी ज़्यादा समय व्यतीत करता था। इसी बात पर बड़ा भाई उसे डांटता था, जिनके डर से वह पढ़ने बैठ जाता था। बड़ा भाई समय समय पर उसे घमंड ना करने की सलाह देता था। इसी डर और शिक्षा के कारण वह हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। दूसरा प्रश्न है इसी का, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर है, लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि यह शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, यह रटंत शिक्षा है। दूसरा, यहाँ केवल उत्तर पुस्तिका के आधार पर मूल्यांकन होता है, निरर्थक विषयों की पढ़ाई करवाई जाती है। हम उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्र का पूरा मूल्यांकन नहीं हो पाता है।